प्लीज सब्सक्राइब इट। बट उसके पहले गाइज, आज मैंने और निधि ने गाइज सोचा है कि क्यों ना कुछ हार्ड हार्ड रिडल्स अपन देखे, अपन समझे कि क्या अपन आंसर दे पाते कि नहीं। और आज का जो गाइज प्राइस पूल है ना, वो ये सेकंड हैंड XR का फोन, ठीक है। और ये XR फोन गाइज उसको ही मिलेगा जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे इसमें। सही में XR आज तो मैं इसे गाइज सेकंड हैंड है, जो मैं मन से लूटा था। चलेगा सेकंड हैंड में XR, देखते हैं ना, देखते हैं। चल तो अभी गाइज सबसे पहले जो इधर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे पहेलियां आने वाली है जिसका तेरे को आंसर देना है, ठीक है। और मेरे को भी देना है, तो देखता भी अच्छे से सुन। और गाइस आप लोगों को भी आंसर करना, और किसने एक्यूरेट, हम दोनों में से किसने प्रॉपर आंसर किया उसका गाइस आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग भी गाइस करते रहो कमेंट। चलो लेट्स स्टार्ट। मीनल मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉअर में, चोरी हो गई इसकी, चोरी हो गई है अंगूठी मार्केट में। तेरी अंगूठी मेरी भी चोरी हो गई भाई, मेरी भी नहीं है भाई। कौन है गाइस, ये तो अपने जैसा हो रहा है। किति वो चोरी हो गई है, ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है, उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी, पर पता नहीं कैसे। ये तो मेरे जैसी है, मतलब सीन सुन रही है तू गाइस, इसने अंगूठी रखी थी एक ड्रॉवर में जिसकी चाबी हमेशा उसके पास रहती है। तो मेरे को लगता है गाइस जस्ट चोर है, इधर आ। चोरी हो गई, मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल घर में मौजूद सभी लोगों को ओके गाइस यहां पर तीन सस्पेक्ट है भाई, एक वॉचमैन, एक माली है घर का, और एक शेफ लग रहा है मेरे को, बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। माली कहता है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ। गाइस माली और निधि एकदम बराबर सेम लग रहे हैं। गार्ड कहता है, मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है, रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। मेहुल अंदर। सो यस गाइस, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप कैसे कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आ गया इंडिया में, इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, ट्रस्टेड भी है, और ऑल्सो लीगल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एटम एक्सचेंज। एटम एक्सचेंज में 70+ कार्ड गेम्स है, तीन पत्ती, पोकर, लकी 7, और उसके अलावा भी टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल का बेट लगा सकते हो। एंड आई चूज एटम एक्सचेंज बिकॉज ये मुझे देती है 24/7 कस्टमर सर्विस, और इतना सेफ एंड सिक्योर भी है। सो यस गाइस, व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, फटाफट से जाओ, अपनी आईडी बनाओ और खेलो लाखों में, क्योंकि यहाँ पे जीतने वालों का रेशियो ज्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ www.atomexchange.com पे जाना है, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर को आपको उसे व्हाट्सअप करना है, और आपको 5% का वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो सो गाइस जाओ फटाफट से, अब जाते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स गो। जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी, यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख, उसने मेहुल को चाबी का बोला खोलने को, तो उसने खोला, मतलब बंद था वो। देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी क्या हुआ? आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी मतलब क्या हुआ है गाइस ऐसा? भाई उसने मेरे को बोला कि मैं तो देख रहा था सीसीटीवी कैमरा में, मैं देखता हूँ, पर वो तो बंद ही था, तो उसने देखा कहाँ से, वो तो लॉक था क्या? नहीं, पहली बात लॉक भी था, और आधे घंटे का समय मिला था, देख 10:30 to 11, तो आधे घंटे में उसने सीसीटीवी वो बंद कर दिया गेट, हाँ। चाबी चुराई, डायमंड की रिंग ली, और फिर से उधर रख दिया। भाई वॉच वो सिक्योरिटी गार्ड है यार, वही है। देखते हैं गाइस अभी दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी बीच किसी ने चाबी चुराया, ड्रॉअर खोला और हीरे की चोरी की है। फिर मेहुल चाबी चोरी के पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेजेस मिसिंग थे। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिया है, लेकिन वो कौन हो सकता है?
मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है, मालिक, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी, मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से अंगूठी भी मिल जाती है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अंदर जाती है। शॉपिंग मॉल के मेन गेट पर एक मशीन लगी हुई थी जिसमें उस लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की शॉपिंग करके वापस बाहर आती है तो मशीन में उसकी हाइट 148 सेंटीमीटर शो हो रही थी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले हाइट 150 सेंटीमीटर थी और अब 148 सेंटीमीटर कैसे हो गई? हाइट कम कैसे हो सकती? 2 सेंटीमीटर हाइट कम हो गई। मतलब इसमें गाइस कुछ लेना ना, ये राइड में बैठ रही है ना कुछ। पर एक बार 2 सेंटीमीटर कैसे बढ़ गया? ना देखते क्या क्या है। ठीक है, क्या हुआ होगा लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? हील्स और चप्पल। बोल अभी बोल जल्दी, कौन बोला? अभी बोल, अरे अभी बोल, अभी बोल ना, कौन स्मार्टेस्ट है? स्मार्टेस्ट की बात कर रहा हूं। चल ले निबी, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दादा गार्ड। जब लड़की अंदर गई थी तो उसने हील्स पहने हुए थे और जब वो बाहर आई तो उसने फ्लैट्स पहने। लॉजिकल आर्मी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शादी में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे लेकिन तभी अचानक लाइट चले जाती है। अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है तो किसी के शर्ट पे। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है तो किसी के शर्ट पे तो किसी के बालों पर। सब एकदम चिकट हो जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। अब सबके हाथ चेक करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा? लॉजिकल आर्मी। मैं बोलूं कि सही में ये इसने और इसने, ये तीनों ने भाई। क्यों? कुछ भी है, दो लेड है, कुछ पता तो है भाई। मैं बताता हूं, वैलिड रीजन बता मेरे को। ये रहा। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं रसगुल्ले किसने फेंक के मारा होगा? गाइस मैं एफ के साथ जाता हूं। हां तू लगा ना अपना दिमाग। नहीं तू तेरा बोल ना। मैं क्यों बोलूं अभी? क्यों फिर तू बोले कि मैंने पहले बोला था? नहीं मैं नहीं बोलूंगी, चल बता। कपड़ा छुपाए थे किसने, हाथ साफ कर दिए। तो ये ओ मैंने देखा ही नहीं। जश भाई, जश भाई, सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। गाइस कपड़ा पड़ा हुआ है। शिट यार, अब देखते हैं कि सही हो कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये आदमी जहाँ खड़ा हुआ है उसी टेबल के नीचे पॉलीथिन वाले 2 हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब उसी ने ये ग्लव्स पहनकर रसगुल्ले फेंके होंगे और लाइट आने से पहले ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक दिए, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल साफ है। तो क्या आप ये सॉल्व कर पाए थे? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के पास एक दिन राजीव नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो मेहुल को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। मेहुल उसके घर में पहुंच जाता है तो वो मेहुल को बताता है कि जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर से एक एंटीक मूर्ति चोरी हो गई है। राजीव को 3 लोगों पे शक होता है तो मेहुल तीन तारा, समीर और रवि और जश भी है। गाइस जश बताया नहीं पर अंदर से जश ऐसा करते, तू तारा है और मैं समीर हूं और रवि मन है, देखते चोर कौन है। चोर कौन है? चलो मजा आएगा। मैं तारा, तू समीर और मन रवि। तीनों को बुलाता है और चोरी के वक्त वो क्या कर रहे थे वो उनसे पूछता है। तो रवि कहता है, मैं यहाँ काम करता हूँ, अपना काम करके घर चला गया था, झाड़ू पोछे मार रहा था और सो गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। समीर कहता है, मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? मैं क्या, मैं तो भाई मेरे घर पे था। मेरे को तो चश्मे ही आ रहा है। आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? तारा कहती है, मैं तो राजीव से मिली भी नहीं हूँ, ऑफिस से सीधा मूवी देखने चले गई थी, मुझे इस मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। ऑफिस से सीधा मैं चली गई थी थिएटर में। भाई इधर आके बीच में चोरी करके थिएटर में गई थी पैसों से। शायद पैसे नहीं थे इस पे इसलिए मूर्ति चोरी करके गई है ये। मेहुल सबकी बातें सुन समझ जाता है कि चोर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फटाफट आपका आंसर। सर मुझे कमेंट करके बताए। गाइस देखते हैं कौन है वो बच्चा। अकेला ऑरेंज में क्यों है?
ऑरेंज में तो और कोई भी नहीं है। यहाँ पे मूर्ति थी और ये यहाँ पे ही काम कर रहा था। देखा, मैं बोला ना रवि, पहले मैं बोला मन चोर मन चोर। मूर्ति की चोरी तारा ने की है, मेहुल ने तो सिर्फ उनसे पूछा था कि उसका फ्रंट तो अपने मालिक वाले के नहीं हुई। अरे क्या कर रहा है? मूर्ति की चोरी तारा ने की है, मेहुल ने तो सिर्फ उनसे पूछा था कि आप चोरी के समय क्या कर रहे हैं, लेकिन तारा को समझा कैसे कि चोरी मूर्ति की हुई है, मतलब चोरी उसी ने की है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक आदमी का मर्डर कर देता है। मेहू को ये बात सीधा पता चल जाती है और मेहू तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन डर के कारण कोई क्रिमिनल का नाम नहीं बताता। तभी एक बच्चा वहाँ हिम्मत करके मेहुल को एक पेंटिंग देता है जिसपे एक महिला की उंगलियाँ बनी हुई थी। पेंटिंग देखते ही मेहुल समझ जाता है कि बाजार में खड़े लोगों में खूनी कौन है। तो क्या आप समझ पाए लॉन्च कर आर्मी? एक सेकंड, ये नहीं रुक, उसने एक फोटो बताई थी ये वाली, ठीक है? तो ये फोटो, ये तो लड़की की लग रही है। ऐसा नहीं है, लड़की तो बट कुछ तो अलग होगा। ये मेरे को तो यही लग रहा है, थोड़ा इसके हाथ के नीचे ही है दबे हुए। हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। मेरे को तो ये गरीब इंसान ही लग रहा है। उंगलियों को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स, और महिला के फिंगर है मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी हुई। इसका मतलब वो बच्चा उस भिंडी मैं तो ये सोच के बोला भी नहीं था, बट यही बंदा था भिंडी वाले की तरफ इशारा कर रहा है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाए, जीत गया भाई, ये लॉजिक ढूंढने में भाई कितना दिमाग लगा होगा, सोच मेरा, मैं बोल दिया भाई, शट अप। जाती है। उस समय घर में तीन नौकर काम कर रहे थे। तीनों में से एक नौकर को पता था कि चोरी किसने की है, लेकिन वो डायरेक्ट मालिक को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने मालिक को चोर का नाम बताने के लिए एक तरकीब सोची। वो अपने मालिक से कहता है, मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद में 11 नवंबर को अपने मामा के उसके घर में तीन नौकर रहते हैं। हाँ। चोरी हो गई रहती है। हाँ। तो एक को पता रहता है। हाँ। तो बोलने जाते हैं, बट वो डायरेक्टली नाम नहीं बोल सकते हैं। तो वो पहेली दे रही है कि मैं 9 पहले डेट क्या बोला था उसने, 9 सितंबर देखना गवार। मैं ये तो सुनती कम है, हट दे रहा है पागल, पूरा सुनने दे, फिर डिस्कस करेंगे, पहले बीच में है हट शट अप। 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद में 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर अप्रैल और मार्च, ये मंथ का मैं समझ रहा हूँ भाई की। हाँ क्या होगा, कितना डीप लग रहा है ये। 9, 10, 11, 4 और 3 लिखा है इसमें। सेप्टेम्बर, मैं बताऊं नाम, September? सोनम। गाइस इसको बोलते हैं जश भाई का दिमाग। हाँ तो बचकांडगिरी, गाइस इसने सोचा तक नहीं होगा इतना डीप। थर्ड क्लास टाइम पास कर रही है। क्लू उसने अपने मालिक को दिया, तो क्या बता सकते हैं तीनों नौकर में से वो कौन से नौकर पे इशारा कर रहा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सारे मंच का इनिशियल उठाइए, SONAM मतलब हो गया सोनम। वो नौकर सोनम का नाम बताना चाहता था। मालिक समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर पे तीन नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है,
सर मैं तो उस समय बैंक से पैसे निकालने गया था, मैंने चोरी नहीं की है, ये देखिए मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो एटीएम में कैश निकालने गया था, मैं घर पे नहीं था, ये देखिए कैश। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बगीचे में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस बगीचे में जाके देखती है और समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं एबीसी? गाइस मैं तो ए बोल रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट देख, इसकी स्टेटमेंट देख, क्रेडिट ही नहीं है, कुछ पैसा डाला ही नहीं है, क्रेडिट जीरो है। इसी में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? देखो कौन लग रहा है, बी क्यों, बी क्यों लग रहा है ऐसे तुक्का? नहीं नहीं तुक्का नहीं। तो क्या भाई? हाँ सुन सुन सुन। हाँ वो बोला, हाँ उसने चोरी किया रहेगा और तभी एटीएम से क्या कार्ड चोरी नहीं किया था, पैसे और सोने वो सब चोरी किए थे। बिल्कुल दिमाग नहीं है तेरे में, देखते चल। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो फिर किधर गया था, झूठ बोल रहा है, वो पैसे उसके ही है। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि एटीएम से फटे नोट नहीं आ सकते, नोट फटे तो है और उस पे टेप भी लगे हुए हैं। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत लग रही है, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल। भाई भूत, यही है भूत, अरे यही है यार, क्या है? कुछ तो सीधा है बट कुछ तो ट्विस्ट होगा भाई, यही है ना भाई? अगर इन्होंने बकचोदी में बी बोला ना, मैं पेल दूंगा भाई। हाँ, सही में यार। मैं सही में पेल दूंगा भाई, ये इसके पैर ही नहीं दिख रहे और इसमें पैर है। आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कमेंट करके यही है भाई, ए है मेरे को। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग भी। और पर यहां पे मुझे आज एक साल मैं जीत गया है। ए तुझे क्यों भाई? मैं जीत गया, लास्ट आंसर मैंने क्या बोला था भाई? चले गाइस इसको कुछ रीजन नहीं था, सिर्फ तुक्के मार के भी मैं सब रीजन दे रहा था, वैलिड रीजन। शट अप गाइस, आप लोग कमेंट में बताओ कौन जीता, मैं या निधि। अगर आप लोग बता दो कि निधि जीते तो मैं ये फोन दे दूंगा। हां सीधे से गाइस आप बता देना गाइस। और अगर 20,000 सब, अगर ये कमेंट में हैशटैग जज आया तो देख ही रहना गाइस, हैशटैग जज तो मुझे चाहिए ही नहीं साला। गाइस अगर अगर इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जीत गया और ये मैं रख लूंगा, ठीक है? 20,000 तो हो गए ऑलरेडी, हो गए थोड़े से ही बाकी, मतलब थैंक्स गाइस। अगर 21,000 हो गए तो मैं जीत गया, ठीक है? चलो सो यस गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं। और देखते हैं गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट। Homegirl, you fucking fight back. Homegirl, you fucking fight back.